सीएम केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार, बीजेपी की देश और प्रदेश दोनों जगह सरकार मजबूत है। एसपी का पीडीए धोखा है, ये केशव प्रसाद मौर्य की ओर से कहा गया। यूपी में एसपी के गुंडाराज की वापसी असंभव है। बीजेपी 2027 विधानसभा चुनाव में 2017 दोहराई, ये तमाम बातें उनकी ओर से कही गई हैं। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उनकी ओर से ट्वीट किया गया और क्या उनकी ओर से लिखा गया वो आपको बताते हैं। एसपी बहादुर श्री अखिलेश यादव जी, बीजेपी की देश और प्रदेश दोनों जगह मजबूत संगठन और सरकार है। एसपी का पीडीए धोखा है, तो यूपी में एसपी के गुंडाराज की वापसी असंभव है। बीजेपी 2027 विधानसभा चुनाव में 2017 दोहराएगी, फिर एक बार डबल इंजन सरकार। तो ये तमाम बातें उनकी ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखी गई है। यूपी बीजेपी में संगठन और सरकार के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा और इसको लेकर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी बीजेपी को घेरा है। अखिलेश यादव ने कहा कि कुर्सी की लड़ाई में इन्होंने पूरा प्रशासन खत्म कर दिया, ये सरकार आपस में लड़ रही है, इनके फैसले भी जल्दबाजी के हैं। टीचर्स को लेकर जो फैसला हुआ इस पर बैकफुट पर आ गए। डिजिटल अटेंडेंस का फैसला स्थगित नहीं बल्कि रद्द होना चाहिए। हाल ही में जो सरकार फैसले ले रही है, ये सरकार जो आपस में लड़ रही है, इनके फैसले भी जल्दीबाजी के हैं। जहां शिक्षकों को परेशान करने के लिए जो सरकार ने फैसला लिया, ये फैसला स्थगित नहीं होना है, तो ये फैसला निरस्त हो तभी हमारे शिक्षकों की असली मदद होगी। लखनऊ के सरोजनी नगर से विधायक राजेश्वर सिंह ने भी अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, माननीय श्री अखिलेश यादव जी, जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर पत्थर नहीं फेंकते। याद कीजिए, सत्ता के रथ पर आरूढ़ होकर आप अपने परिवार को भी एक नहीं रख सके थे। आपको वो समय भी नहीं याद जब मुजफ्फरनगर दंगे में 62 से ज्यादा लोग मारे गए, विस्थापितों को टेंट में ठिठुरता छोड़ आप सैफई महोत्सव में फिल्मी सितारों के साथ समय बिता रहे थे। साथियों ने लिखा कि बीजेपी 19 करोड़ कार्यकर्ताओं का विशाल परिवार है, जिनके लिए देश प्रथम है, अपना हित नहीं। बीजेपी की नीतियां स्पष्ट है और नियत भी, नेतृत्व सशक्त है। प्रदेश की 25 करोड़ जनता भाजपा राज में सुख शांति से रहते हुए आज भी एसपी शासनकाल में दंगों, गुंडाराज, माफिया राज को याद करके सिहर उठती है। याद रखिएगा, श्रद्धेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में बीजेपी 2027 का चुनाव लड़ेगी और फिर से प्रचंड बहुमत से जीत कर आएगी। मेरी ये बात, ये दिन और ये तारीख याद रखें। तारीख का इंसाफ हमेशा आम जनता की आवाज होता है, इसमें ना मुझे और ना ही भाजपा के किसी भी कार्यकर्ता को संशय है। हर एक कार्यकर्ता मोदी योगी के साथ है और दृढ़ता के साथ खड़ा रहेगा। साथ ही उन्हें लिखा कि प्रदेश के नेता विपक्ष का महत्वपूर्ण पद छोड़ना प्रदेश की जनता के आकांक्षा के साथ खेल है, उस पर फिल्मी लाइन जैसी टिप्पणी आपके कद के अनुकूल नहीं। उस गंभीर राजनीति की अपेक्षा हमें अपेक्षा है, एक सकारात्मक, जिम्मेदार, जनोन्मुख विपक्ष की भूमिका के निर्वहन करें और राष्ट्र निर्माण में सहयोग दें। यूपी की जनता दंगे और माफिया राज को दोबारा नहीं दोहराएगी, नहीं चाहिए माफिया राज और नहीं चाहिए गुंडा राज। और दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, केजरीवाल के अंतरिम